नमस्कार दोस्तों, मैं रीना, आपका स्वागत है साइंस ऑफ कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे के ऑयल फ्री पकोड़े। ये इसमें बिल्कुल ही कम ऑयल लगेगा, एक चम्मच से भी बहुत कम, और ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े आलू। इन आलुओं को मैंने उबाल के छिलका उतार के रखा है। 1 कप मैंने कुट्टू का आटा लिया है, 1/2 कप मैंने सामक लिए हैं। सामक को मैंने पहले भिगो के रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है, कटी हरी मिर्च, सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है और भुना हुआ जीरा 1 टेबलस्पून। सामक को मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही अच्छी तरह से धो के भिगो के रखा हुआ है। अब हम इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। हमने हल्का दरदरा कर लिया है इसको। अब हम कुट्टू का आटा डाल लेंगे। हम साबुत धनिया और अनार दाने को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीस चुका है। हम अपने मिक्सचर में मिला देंगे इसे, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, भुना जीरा, हरी मिर्च। इसमें लाल मिर्च का मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। अब हम पानी ऐड करेंगे। ना घोल को ज्यादा पतला रखना है और ना ही ज्यादा। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। जैसा हम बेसन का घोल बनाते हैं वैसा घोल को अच्छी तरह से हमने कर लिया है, बिल्कुल अच्छे ढंग से। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब हम आलू लेंगे। अब हम आलू के स्लाइस कर लेंगे, गोल गोल स्लाइस ले लेंगे इसके। हमने आलू को काट लिया है। अब हम इंडक्शन को ऑन करेंगे। और हल्का सा इसमें ऑयल लगाएंगे, हल्का सा। एक बार से ही लग जाएगा सारा। इसमें डीप करके हम पलट के देखेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमारे आलू पहले ही उबला हुआ था। हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये झटपट तैयार हो जाएंगे। हमारे फाफड़े के पकोड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। हमने इनमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। आप इसे दही और मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। Body's high.